नमस्कार, डीएनए न्यूज पर आपका स्वागत है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं टीकमगढ़ के खरगापुर में, जहां पर मौजूद है जनमंच पर डीएनए के ब्यूरो हेड नरेंद्र वर्मा। नमस्कार, मैं नरेंद्र, डीएनएन के जनमंच में आपका स्वागत है। और आज हम हैं खरगापुर विधानसभा में। खरगापुर विधानसभा जो कि कांग्रेस की सीट है, और यहां से चंदा रानी गौर जो है यहां से विधायक है। हमारे साथ में आज जनता के जवाब होंगे और प्रतिनिधियों के जो प्रतिनिधियों के सब जनता के जवाब होंगे, प्रतिनिधियों के सवाल होंगे। हमारे साथ सबसे पहले मैं परिचय कर रहा हूँ, दिग्विजय सिंह गौर मौजूद है जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है और कांग्रेस नेता है, और यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि भी है। सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा हमारे साथ में मौजूद है, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है। रामलाल जी मौजूद है जो भाजपा का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे भाजपा से, क्योंकि उमा भारती के भतीजे यहाँ से दो बार चुनाव लड़े हैं, एक बार वो हार भी चुके हैं, उसके बाद दोबारा उनको टिकट दिया है। काफी लंबे वोटों से हारे थे, काफी अंतराल से वो हारे थे, उसके बाद पार्टी में क्यों विश्वास दिखाया दोबारा? क्योंकि इसलिए विश्वास दिखाया कि वो उमा भारती के भतीजे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, पहले चुनाव में वो अनुभवी थे, चाहे दिल्ली भोपाल आए थे, क्षेत्र में कभी आए नहीं, कोई काम ही नहीं पड़ा, और उनको प्रत्याशी बना दिया, तो ये स्थिति है। ठीक है, देहात में उनको लोग पहचानते तक नहीं। बिल्कुल, देहात में लोग पहचानते नहीं थे, विधानसभा क्षेत्र में पहचान नहीं थी। बीआईपी कल्चर में पड़े वाले थे, बीआईपी कल्चर में पले बड़े राहुल सिंह पहला चुनाव हार गए, उसके बाद दोबारा उनको टिकट दिया गया, क्योंकि अभी जो जैसे रामलाल जी ने कहा कि वो बीआईपी कल्चर में पड़े हुए थे, दिल्ली मुंबई में पड़े हुए थे, और उसके बाद में खरगापुर में दोबारा से उनको टिकट दिया गया। आपने जीवन भर पार्टी की सेवा की, और कहा जाए तो आपने जीवन लगा दिया पार्टी के लिए। आपका टिकट क्या कहना चाहिए? बीआईपी कल्चर वाले को दिल्ली पंजाब से लड़ना चाहिए, बुंदेलखंड में उसका क्या काम है? इसलिए जनता ने पिछली बार नकार दिया, और पिछली बार 6,000 से आए, इस बार लड़ेंगे 16,000 से हार जाएंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ में इसका व्यक्ति चाहिए ना? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह गौर है, यहाँ का व्यक्ति चाहिए, लोकल का व्यक्ति चाहिए जो विधानसभा में काम कर सके। आप यहाँ पर 5 साल से विधायक हैं, आपकी जो पार्टी है, आपके जो प्रत्याशी यहाँ से 5 साल से विधायक है। अगर विकास की बात की जाए तो क्या विकास हुआ है, और अब आप फिर से मैदान में है तो किन मुद्दों को लेकर मैदान में है? जो विकास हुआ है उसके लिए खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है, खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता है कि जितना काम इन 5 वर्षों में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, मुझे नहीं लगता कि 25 वर्षों में कभी खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे शिक्षा के संबंध में कॉलेज की बात हो, किसी भी तरीके से हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जी ने निरंतर संपर्क, जो जनता के साथ संवाद कायम किया, हर गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उन्होंने जाके काम न किया हो, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित न हुए हों, और सभी एक परिवार की तरह। हमने पूरी विधानसभा में कभी भी ये नहीं देखा पक्ष का, जो सुविधा है उसके लिए काम किया, और ये निश्चित तौर पर खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता दोबारा उसी काम को देखते हुए बोलते हैं। बिल्कुल, सीधे जनता के पास आएंगे, सीधे जनता के पास, जनता के सवाल, जनप्रतिनिधि मौजूद है आपके, आपके सीधे सवाल यहाँ से खरगापुर विधानसभा से। केवल बेबी राजा यादव साहब ऐसे नेता है जो क्षेत्र के नेता हो, हमारे लोगों का विकास की बात करिए, अभी विकास के मुद्दों पे बात करिए, स्थानीय मुद्दों पे। कांग्रेस वालों ने वो विकास किए हैं जो पंचायतों में विकास होते हैं, ना कि कोई विकास। सामुदायिक भवन बनाए, क्या बनाया, कौन सा लोग करवाए? सामुदायिक भवन क्या होता है? आप लोग पढ़े लिखे, सामुदायिक भवन 2.5 लाख रुपए के, 3 लाख में सामुदायिक भवन नहीं बनते हैं, जो कराए विकास। बिल्कुल दिग्विजय जी, आपके पास आऊंगा मैं, विकास की बात हो रही है, जनता ने सीधा आरोप लगाया है कि सामुदायिक भवन बनाए हैं, विकास नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये आरोप लगाया है वो थोड़ा सुन लें। सामुदायिक भवन के अलावा भी खरगापुर से एक रोड जाती है जो पचेर जाती है, जो कि 22 करोड़ की रोड है। वो रोड जो बनाई गई है विधायक जी के प्रयास से, रोड बनाई गई है खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में, सबसे बड़ी रोड टीकमगढ़ जिले की, 112 करोड़ की रोड, मन्ना परिवार रोड, जो बहुत प्रतीक्षित रोड थी, वो रोड खरगापुर विधायक जी के तक प्रयास से बनाई गई। कितने भी काम में ऐसे गिना दो, क्योंकि खरगापुर में सामुदायिक भवन भी जरूरी है। जिन गाँव में जहाँ रुकने के लिए, किसी सामान को रखने के लिए, या आजकल के गांव के सुविधा के अनुसार सामुदायिक भवन जरूरी है, वो भी जरूरी है। खरगापुर प्रॉपर में ही हमने करीब 3-4 सामुदायिक भवन बनाए। कॉलेज की लड़ाई यहाँ खरगापुर विधानसभा, स्टॉपेज ट्रेन के लिए कराने की लड़ाई हमने यहाँ लड़ी है।
खरगापुर के पास में भेलसी गांव है, जहां हमने 80 लाख का स्टेडियम बनाया, तो ये सिर्फ सामुदायिक भवन बराबर बिल्कुल आम गाँव में। रामलाल जी आपके पास आऊंगा, जैसे कि आपने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है, आपने बेबाक नेता आप हैं, आपने कहा कि वो पहले बड़े दिल्ली में है, उसके बाद में यहाँ चुनाव लड़ने में आए, तो क्या 5 साल में मैच्योर हो गए वो? जी, क्या है जो मेहनत राहुल ने पहले नहीं की थी वो मेहनत इस 5 साल में की है क्षेत्र की, और क्षेत्र में कांग्रेस की जहाँ तक विकास की बात है तो इस खरगापुर विधानसभा को 5 साल पीछे ढकेल दिया है कांग्रेस जी। वहाँ का मेन विकास था वो बिल्कुल 72 साल में क्या किया है कांग्रेस में क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है। जी जी बिल्कुल आएंगे आपके पास, आपके पास आएंगे, आपके स्थानीय मुद्दों पे सवाल होंगे, उसके अलावा कोई सवाल नहीं, व्यक्तिगत कोई सवाल। जी सर, वैसे सर मैं यहाँ खरगापुर का निवासी हूँ, श्याम सुंदर हूँ, जब से बिलाल जी आए तो मेरे बिलाल जी को तो सीधा चलाओ सीधे चले जाते हैं, वो कभी रुकते ही नहीं है खरगापुर क्षेत्र में, सीधे चले जाते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं बिलाल जी को। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल जी, कभी गांव में जाके तो देखो आप, सिर्फ मुद्दों की बात करें आप, विकास की बात करें, स्थानीय विकास की, जहां तक की विकास की बात है, मुझे नहीं लगता कि हमारे स्थानीय विधायक जितना विकास अभी तक के रिकॉर्ड में कभी किसी ने किया हो। बिल्कुल जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पिछले 25 साल से क्षेत्र में भाजपा के विधायक थे, आज तक पिछले 5 वर्षों से चंदा सुरेंद्र सिंह गोयल जी ने कांग्रेस के सीट से चुनाव जीता, उन्होंने 5 वर्षों में जितने भी विकास कार्य कराए, काम बोलता है पुस्तक के माध्यम से जन जन तक उन्होंने अपने काम को पहुंचाया। हम इन लोगों से, भाजपा के लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि 25 साल में जो काम किया पहले वो तो बताया जनता को कि आपके विधायक उन्होंने 25 साल में क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल जी, भाजपा ने वो काम किए, प्रधानमंत्री आवास 100 नंबर, 108 नंबर, ऐसे लगता है जैसे जैसे सरकार हमारे घर पे द्वार में। आप लोग पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के जितने भी मकान बनाए गए आज एक भी कहीं नहीं दिखता है, और प्रधानमंत्री आवास के जो भी मकान बनाए गए हैं वे धरातल पर दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास आएंगे हम, वो हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि लगातार जनता का कहना है कि कांग्रेस के समय मेरा जी कहना है, पहले तो ये भ्रम मिटा दे कि सरकार में जी नहीं थे, सरकार में शिवराज सिंह चौहान थे, अब विपक्ष के विधायक कैसे काम करेगा इतने सारे जो किनारे योजना है, कहाँ तक रही बात है, लेकिन जो योजनाएं आई हैं, जो शासन की योजनाएं थी, तो क्या उसमें पक्षपात हुआ है क्या कहीं? अरे पक्षपात हुआ जो आपको बता रहे थे, उन्होंने खुद दो जगह से सुधारा बांध आपने बंधवाया, दो जगह से जिन जिन लोगों को जनता पार्टी का एजेंट है उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन जो पात्र लोग हैं उन लोगों को तो मिला ही नहीं। 60 साल में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला? साठ साल में क्यों नहीं मिला प्रधानमंत्री, क्यों नहीं आए बताए? जी जी रामलाल जी, रामलाल जी जैसे आपकी 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 पार्टी यहाँ पर थी और बात हो रही है विकास की, बात हो रही है विकास, जैसे कि कांग्रेस के हमारे मित्र और समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने भी कहा है कि यहाँ पर जो चाहे आपके भ्रष्टाचार की बात हो या फिर यहाँ पर आपके जो आवास की बात लगातार हो रही है, तो कहाँ चूक हो गई है? क्या है, कांग्रेस का काम है केवल फूट डालो और राज्य करो। दद्दा आज उदाहरण दे के बता दें कि जी किसी भी वार्ड में बैठे हो चौपाल लगा के, बिल्कुल नहीं, कागज के फूल मत बनाओ। भाजपा ने क्या विकास किया? भाजपा ने हर किसान को नहीं, हम विधानसभा खरगापुर की बात कर रहे हैं, खरगापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधायक थानी कौन करता विकास? अच्छा राहुल घूम रहे हैं, आप लोग शांत रहिए फिर उसके बाद बात करते हैं। जी आपने कहा कि जैसे पक्षपात की बात रही है, अब आपके सामने फिर से राहुल लोधी हैं जो वहाँ भारती के भतीजे हैं, तो क्या मानना है आपका, इस बार क्या स्थिति है उनकी? छोटी नाम ही नहीं है हमारे साथ, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। किससे है फिर? सुरेंद्र प्रताप सिंह जी से मुकाबला है हमारा। देखिए वो तो 14 तारीख के बाद पता चलेगा, पर उमा भारती जी के भतीजे के पास, सिर्फ उमा भारती जी के भतीजे होने के अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा काम है, और ना ही मुझे लगता है उमा भारती जी यहाँ मुख्यमंत्री रही और 4 बार सांसद रही, और उसके अलावा केंद्र में मंत्री वर्तमान में भी है, तब भी उन्हें कोई भी दिखाने के लिए खरगापुर विधानसभा क्षेत्र और टीकमगढ़ जिले में एक भी रेलवे लाइन किसने डलवाया, उन्होंने यहाँ कभी दिखाया, किसने बनवाया, उनके परिवार का दिया हुआ था। आप लगातार
इतने सालों से आप संसद के सचिव भी रहे हैं, बुंदेलखंड प्रकाश प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पलायन का मुद्दा। अगर देखा जाए तो टीकमगढ़ जिले के जितने भी तहसीलें हों या फिर जितने भी विधानसभा से कोई बात नहीं क्योंकि मैं तो आपसे इतना कहूँगा जहाँ तक खरगापुर की बात है, खरगापुर का विकास होने नहीं दिया सत्ता पक्ष के लोगों ने, उसमें राहुल जी का मुख्य नाम आता है, पर विपक्ष ने जो विधायक हैं उनने बता दिया कभी कोई आगे विकास को लेकर कोई क्वेश्चन लगाया हो, इनने कभी उसकी लड़ाई कभी लड़ी नहीं। पक्ष की भूमिका भी मुझे निभाना पड़ी है, विपक्षी भूमिका भी मुझे निभाना पड़ी कारण इसीलिए जो स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते बीच में आया हूँ। न तो कांग्रेस के विधायक ने काम किया और जो कांग्रेस के विधायक से चुनाव हारे थे तो उनने की काम करने की मंशा यह है। इस क्षेत्र में जातिवाद का जहर न फैले, इस क्षेत्र की लूट न हो, इसलिए आज मुझे मैदान में आना पड़ा है। बात हो रही है जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा में क्वेश्चन पूछने की, ये सवाल कई बार आया है कि आपकी विधायिका जो है वो कम सवाल पूछती है। अगर आप ये कहें तो अभी आपने जो डाटा आया है उसमें टीकमगढ़ जिले में सबसे ज्यादा उपस्थिति अगर किसी विधायक की है 135 दिन विधानसभा उपस्थिति रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। खरगापुर के विकास से संबंधित क्वेश्चन लगाए हो तो उसकी सूची बताओ। विधायक जो सवाल पूछे गए हैं वो जी, इसके पहले भी कई बार सुर्खियों में आपकी विधायक रही हैं, सवाल जवाब की उपस्थिति से खरगापुर विकास नहीं होगा, खरगापुर आपकी जनता को क्या कोई समस्या नहीं थी, क्या आपके खरगापुर में रामराज हो चुका था कि आपके यहाँ कोई समस्या नहीं थी, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, सर्वाधिक सवाल टीकमगढ़ जिले में खरगापुर विधायक ने पूछे जी, वो उनका आज भी आप रिकॉर्ड निकालेंगे सबसे ज्यादा उपस्थिति और सबसे ज्यादा सवाल खरगापुर विधायक ने पूछे। और रही बात कार्य करने की, तो वो सरकार की मंशा है, हम सवाल पूछ के जनता के जो मुद्दे हैं उनको सरकार के समक्ष रख सकते हैं, परंतु उनमें से कई मुद्दे हल हुए और कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें सरकार की मंशा नहीं रही और हल नहीं हो पाए, तो हमारा जो फर्ज था वो हमने पूरा किया। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, खरगापुर को नहीं मिल सकता, खरगापुर के नाम से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, योजना के नाम से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब खरगापुर को लाभ मिलेगा जी। आज सरकार की योजना थी रूटीन में जो विकास आपने चलाया है, ये केवल खरगापुर में नहीं मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में हुए। आपसे सवाल नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि विधायक जी के मन में जो बात घड़ गई तो वो सत्ता में थे, विपक्षी विधायक की भूमिका नग्न रही और सत्ता पक्ष के लोगों की स्थिति आपको पता है, ज्यादा कुछ कहना है। वो आबादी की जिद के चलते परिवारवाद भाजपा में फल फूल रहा है, जिसको मैं नकार के और आज पब्लिक के बीच में आया। बिल्कुल परिवारवाद की बात हो रही है, उमा भारती जी लगातार अपने, जैसे कि आपने कहा और आपने साफ कहा कि उमा जी के जो भतीजे हैं राहुल वो बीआईपी कल्चर में पड़े हैं, उनको चुनाव की समझ नहीं थी, उसके बाद आपने कहा उनने 5 साल काम किया, तो अभी ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, खरगापुर के विकास की बात हो उनको लेकर आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जाएंगे? हर व्यक्ति को जन्म से लेके वो मृत्यु तक सरकार ने 5,000 से लेके और 4 लाख रुपया तक दिए हैं हर गरीब परिवार, वो योजनाएं मिल रही है विधायक जी कर रही है, ये तो भाजपा का है जी। उनका तो कुछ नहीं है, नेगेटिव है पूरा, नहीं वो विधायक है यहाँ पर, जो योजनाएं आ रही है वो हो रही है। आपके राहुल सिंह जी किन मुद्दों को लेकर जनता के पास वोट मांगने जाएंगे? हाँ जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या मुद्दे? खरगापुर विधानसभा का मुख्य उद्देश्य रहेगा विकास करना। बिल्कुल जनता से सवाल करते जी, ना तो यहाँ कांग्रेस ने विकास किया है और ना बीजेपी ने विकास किया है, और ना कभी कांग्रेस विकास कर पाएगी ना बीजेपी विकास कर पाएगी। हम लोग क्षेत्र के हैं और क्षेत्र के नेता को जिताएंगे, हम बेबी राजा को वोट देंगे, पूरा गांव क्षेत्र। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो सामुदायिक भवन होता, तहसील चालू होती, तहसील भी 8 साल से बंद है, कोई तहसील में कोई काम नहीं हुआ। मेरे पास पत्र दिया गया था नगर पालिका से, वो नगर पालिका में विधायक द्वारा चंदा रानी बोर्ड द्वारा दिया गया था, जो आज तक मेरे को ना वो आवास मिला है ना आवास का लाभ मिला हुआ। माननीय विधायक जी से एक सवाल है मेरा, आज तक महामना एक्सप्रेस क्यों नहीं रोकी गई खरगापुर? बिल्कुल बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। रेल की बात हो रही है, रेल की बात हो रही है, अभी तक खरगापुर में स्टॉपेज नहीं बन पाया, एकमात्र जो महामना आती है। रेल मंत्रालय जो है वो शायद आप लोगों को पता है केंद्र का विषय है,
वो स्टेट में कोई रेल मंत्रालय तो होता नहीं है। जहाँ तक रही बात विधायक की, विधायक जी ने आवास के संकल्प विधानसभा में पारित किया है और उसकी जानकारी कोई भी निकाल सकता है पारित हुआ है कि यहाँ रोका जाओ। इसके अलावा विधायक जी ने करीब 10 बार पत्र लिखा रेल मंत्री और DRM भोपाल DRM झांसी DRM इलाहाबाद और उसके बाद दिया। और जब रेल रुकने लगी तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रेल रुकने के लिए मना किया और उसके बाद 6 तारीख को आचार संहिता लगती है और 6 तारीख को उमा भारती जी का लेटर वायरल होता है 6 अक्टूबर के दिन कि यहाँ रेल महामना रोकी जाए। उसके पहले एक भी लेटर उन्होंने नहीं लिखा। कोई दाब के ना हो भाइयो, अपना बेबी राजा को आगे लेकर चलिए। सवाल जनता जनता जनता, मैं तो इतना ही कहूंगा मुद्दों के सवाल पे कर रहे हैं ना यहाँ भाजपा ने कोई काम किया है ना कांग्रेस ने कोई काम किया है। हम अपने क्षेत्र के नेता को लाना चाहते हैं कुआ को पानी कुआ में और क्षेत्र को नेता क्षेत्र में। बेबी राजा जिंदाबाद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है मध्य प्रदेश में और जिन लोगों ने आज समाजवादी का दामन थाम लिया वो अगर ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं कि खरगापुर के नाम से, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक संरचना 2 करोड़ रुपए खरगापुर विधानसभा की विधायक चंदा सिंह गौड़ ने नगर पंचायत खरगापुर को दिलाया है। हमारे सम्मानित दाऊ साहब इसके प्रमाण है और आज वो 2 करोड़ रुपए खरगापुर नगर पंचायत में अवेलेबल है जिसका निर्माण कार्य वहाँ के अध्यक्ष और CMO का कराने का काम है, ना कि विधायक का काम है। और विधायक जी ने पर्याप्त विकास के कार्य किए। जो लोग आज महामना की बात करते और जो लोग आज सामुदायिक भवन की बात करते, तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैंने कम से कम 5 क्वेश्चन इस्लाम ग्रह के लिए मैंने खरगापुर के लगाया, मैंने तहसील के, मैंने जी कितने काम कराना चाहते, कितने क्वेश्चन कराना चाहते खरगापुर विधानसभा जी। भाई साहब हमें 5 बजी है बेबी आज वो बेबी सबसे 5 बजी है हमारी चारों तरफ की जरूरत है। आज हम चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूरे कितने कार्यकर्ता सब कर रहे हैं। पार्टी आई, किसी ने कुछ नहीं किया, सही कह रहा है, बड़ी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया है। दुकानदारों से कह रहे हैं थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे कर दीजिए, आएंगे आएंगे लगातार विकास। आपने भी लड़ाई लड़ी है, आप काम किए बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, जो आपने आपने खरगापुर मेरे चुनाव मेरे MLA के बनने के पहले खरगापुर गांव था। जनता इस बात की साक्षी है कि मैंने कितना काम किया, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, खरगापुर की योजनाओं के लिए निरंतर लड़ा। उप मंडी को मंडी का दर्जा, PSC को CSC का दर्जा, 2 इंटर कॉलेज और नगर पंचायत में काम। लेकिन मुझे दुख है कि इस बार भाजपा के जो प्रत्याशी हारे तो नगर पंचायत में बड़ा गाँव का CMO ने चुना के काम नहीं होगा, नगर पंचायत का काम होता है विकास होता है। और यहाँ तक कॉलेज का सवाल है, अभी मुख्यमंत्री जी इस वर्ष से फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू कर रहे थे, लेकिन आपको पता होगा कांग्रेस ने शिकायत की कि इस चुनावी लाभ के लिए किया जाना बंद करिए, तो इस वर्ष शुरू नहीं हो पाया। कहा है कि आपने बड़ा अमाउंट स्वीकृत कराया है, जो भी की बात है, वो उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सही बात
अन्य गांवों की जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा की बात है, तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पिछली इसके पहले जब आए थे तब कह चुके थे कि यहाँ कॉलेज बना के देंगे। आज भी यही कह रहे कॉलेज बना के देंगे। भेलती में कह के गए थे पिछली बार 10+2 देंगे और इस बार फिर कह के कॉलेज जब बना के देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम फिर से भाजपा की बात मुख्यमंत्री जी की बात। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में। आइए अब सीधा रुक करते हैं टीकमगढ़ के खड़गापुर पर, जहां पर मौजूद है जनमंच पर डीएनएन के ब्यूरो हेड नरेंद्र वर्मा जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम हैं खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता के सवालों का जवाब जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। लगातार हम उनसे पूछ रहे थे, बात हो रही थी आपसे। ब्रेक के पहले मैंने एक सवाल किया था कि बुनियादी समस्याओं की बात की जाए विधानसभा क्षेत्र खड़गापुर की, तो एक पलायन बड़ी समस्या है। दिल्ली बहुत लोग जाते हैं, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, तो आपका क्या मानना है ये समस्या कैसे दूर होगी? जब तक क्षेत्रीय आदमी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि मिलेगा तब तक वो यहाँ के पलायन की चिंता नहीं करेंगे। जो लोग अभी हैं, ये बाहर के लोग हैं, खाएंगे गकंजा, गाएंगे गीत, चले जाएंगे क्षेत्र का अमीर। जब तक स्थानीय आदमी नहीं आएगा, बिल्कुल स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार या उद्योग उसी बात कोई बेनामी होगी। जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो जतारा के जतारा में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई। अगर इतना विकास करने की क्षमता होती तो प्रत्याशी ढूंढते। ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा केवल परिवारवाद की राजनीति में फंस के रह गई है, इसलिए उन्हें ज्यादा इसकी चिंता नहीं है। हम जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, अब बुआ माँ के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हमें वोट मिल जाएंगे, एमएलए बन जाए, ये अब खड़गापुर में संभव नहीं है। दिग्विजय जी, एक बड़ा सवाल, बड़ा सवाल ये है कि खड़गापुर जतारा विधानसभा में आपको कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, क्या कारण है कि आपको वहां पे ऐसा कोई नेता नहीं लगा जिससे आप चुनाव लड़वाते हो इसको? नहीं, ये मेरा ये डिसीजन पार्टी का है और राष्ट्रीय स्तर पर शरद यादव जी की पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ और उस गठबंधन में उन्होंने एक सीट की मांग की, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता वो किस वजह से उनको सीट दी गई है। तो वो पर जिसको भी सीट दी गई, हमारा गठबंधन का प्रत्याशी है, वो भी हम जीतेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। गठबंधन भाजपा को, और उन्होंने कहा था रामलाल जी ने कि राहुल ने जब पहला चुनाव लड़ा तो वो दिल्ली मुंबई में पड़े हुए थे और जब यहाँ आए तो वो चुनाव की समझ उनमें नहीं थी, और दोबारा उनको चुनाव दिया, अच्छे बड़े अंतराल से वो चुनाव हारे थे, दोबारा से उनको मौका दिया है पार्टी ने, तो क्या अब वो इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि दोबारा सीट निकाल पाएंगे, कि सिर्फ इसलिए उनको टिकट दिया है कि वो भारती के भतीजे? पिछली बार का जो पंडा जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है, वो 5,600 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन लगातार वो 5 साल विधानसभा की जनता के बीच में संपर्क में रहे हैं और जनता की समस्याओं को भी सुना है और लोगों से इनका मिलना बड़ा है, निश्चित है इस बार वो चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल, इस बार वो जीतेंगे। अच्छा, स्थानीय मुद्दों की बात की जाए दिग्विजय जी, आपकी सरकार नहीं है और आपके विधायक यहाँ पर है, सरकार नहीं होने के बाद कितनी कठिनाइयां होती हैं विधानसभा में काम करने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कठिनाइयां, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ हम चाहते थे कि कुछ ऐसी चीज है, जैसे कुछ अधिकारी इस नगर पंचायत में ऐसे आए जो शायद उसने, वास्तव में मैं इस बात को एग्री करता हूँ सबके साथ कि उनने खड़गापुर के विकास को अवरुद्ध किया। मैंने भी प्रयास किया कि ऐसे लोगों को हम यहाँ से तुरंत हटवा दें, परंतु सरकार में ना होना ही हमारी मजबूरी है कि उन लोगों को हम हटवा नहीं पाए, क्योंकि सरकार के लोग ही उन लोगों को लेके आए और वही बचाते रहे। तो ऐसी चीजें बहुत सी बातें टीकमगढ़ जिले में आंदोलन की होती है, विकास की बात खड़गापुर विधायक से की जा रही है और इस जिले से दो दो केंद्रीय मंत्री हैं जो केंद्र में बैठे हैं, उनसे ये बात नहीं की जा रही है। तो मुझे जनता मौजूद है, जनता के सवाल लगे, हम जनता के हमारे क्षेत्र में कभी कॉलेज नहीं बना, जो भी आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं। हम लोगों से पूछो, हमारी माताएं बहने टीकमगढ़ के लिए नहीं बना है, कॉलेज नहीं बना है, बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा है।
एक चीज पूछ रहा हूँ, मुझे एक दोनों दलों से बीजेपी और कांग्रेस से, आप लोगों ने सबने देखा होगा वोट स्वैप पे इकबाल हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जिस जनता को चूतिया बना दो मिल के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी 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 हेलो भाई अखिलेश जी, 13 साल हो गई आपका मतदान भाजपा लेकिन हमारे ना विधायक कांग्रेस तो कांग्रेस वान नहीं करो कुछ भी नहीं किया, भाजपा के राय है तो भाजपा विधायक वो लोगों के सपोर्ट में। बिल्कुल सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, एक अच्छा सवाल आया है कॉलेज की जो मांग आई है कि कॉलेज आज तक नहीं बन पाया यहाँ पर, क्या कारण रहे कि कॉलेज नहीं बन पाया खरगापुर में? जो कॉलेज न होने में मुख्य भूमिका केंद्रीय दो मंत्रियों की है, इनने जानबूझकर कॉलेज नहीं होने दिया, इस बार जनता इस बात की ने सजा दी। बिल्कुल कॉलेज की क्या आपने भी प्रयास नहीं किया? कॉलेज की बात हो रही है लगातार कि कॉलेज नहीं है यहाँ पर, लड़कियों को लड़कों से पढ़ने के लिए टीचर बन जाना पड़ता है। पहली बार खरगापुर विधानसभा में ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने कॉलेज की मांग के लिए खरगापुर में कॉलेज की मांग रखी विधानसभा में, इसके साथ ही यहां के छात्रों को विधानसभा में ले जा करके विधानसभा अध्यक्ष मंत्री से मुलाकात कर छात्र विधानसभा अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री से विधानसभा में मिलकर आए और उनसे आवेदन उनका मांग कराई। ये पहली बार किसी विभाग में कराया था अपने छात्रों को ले जाकर मांग कराई गई और उसका फल यह हुआ है कि बल्देवगढ़ में कॉलेज स्वीकृत हुआ है और आज भी हम इस मांग पे कायम है कि खरगापुर में कॉलेज की स्वीकृति कांग्रेस की सरकार बनते ही हम करा के दें। जी जी बिल्कुल कॉलेज की स्वीकृति करा के दें। एक और सवाल है कि लगातार कॉलेज की स्वीकृति में बर्दाश्त करने के बाद नहीं हुआ, मेरे तो मुख्यमंत्री से कहा खरगापुर में कॉलेज आश्वासन दे गए बाइक से घोषणा करके गए, इसके बाद भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही। टीकौड़ के मंच पर कहा था क्या अब इस बार बंदे और खोल दो खरगापुर छूट, इसलिए खरगापुर का कॉलेज नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ अगर जनता मुझे जिताएगी तो पहला काम कॉलेज का कराऊंगा किसी भी दल से। एक और बड़ी समस्या रही है जिसके लिए आपने समय समय पर सरकार को जिसमें आपने लगातार सरकार को सुझाव भी दिए हैं कई तरीके की, पानी की समस्या अपने यहाँ पे चंदेल कालीन जैसे कहा जाए आपकी विधानसभा में चंदेल कालीन तालाब है, कुएं हैं, बाबड़ियां हैं, उसके बाद हम इतने विधानसभा के 175 गाँव से जुड़े गए, सुजालाबाद खरगापुर विधानसभा में है, खरगापुर के बाद 35 गाँव जुड़े गए। ठीक है ठीक है, अभी अभी हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका डीएनए न्यूज में और एक बार फिर रुक करेंगे टीकमगढ़ के खरगापुर का जहां पर मौजूद है डीएनए ब्यूरो हेड नरेंद्र वर्मा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं नरेंद्र, जनमंच जारी है खरगापुर में, सीधे जनता के सवाल जवाब देंगे। अभी हमारे साथ में हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा मौजूद हैं जो कि बल्लेवगढ़ है खरगापुर। हेमंत, अगर समस्याओं को देखा जाए तो यहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं जो कि जनता के हित से और जनता से जुड़ी हुई? हाँ, सीधे सीधे हम बात करें अगर तो बुंदेलखंड का जो इलाका है उसमें खरगापुर विधानसभा में सबसे ज्यादा लोग पलायन पर रहते हैं और अब वोटों का वक्त है तो कहीं ना कहीं जब पलायन पर लोग हैं तो वोट डालेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल तो पहला ये है। और यहाँ पानी की समस्या माने बिजली की समस्या, पानी की समस्या और पलायन की समस्या है बहादुर, यहाँ की और कौन सी? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, किसान यहाँ पे काफी परेशान है पानी को लेके, बिजली मतलब वैसे परेशानी है। सीधा सवाल दिग्विजय जी आपसे, जैसे कहा जा रहा है कि पलायन की समस्या है जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, और पानी की समस्या जो है उसको अभी तक आपने क्या क्या काम किए हैं और समस्या को जो जैसे अगर उसका निदान देखा जाए तो वो किस तरीके से हो पाएगा? देखिए ये पानी की समस्या तो पूरे बुंदेलखंड और जहाँ रही बात पलायन की, पलायन भी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में जिसमें खरगापुर क्षेत्र में थोड़ा अधिक है क्योंकि खरगापुर क्षेत्र पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है। बांध सुजारा योजना चालू होने से मैं समझता हूँ पानी की समस्या का बहुत
अधिकांश स्तर पर तो हल हो गया है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अभी भी बांध सुधार से छूटा है, जो कि हम सिंचाई का पानी कहेंगे। और रही बात पेयजल की, तो इसी विधानसभा सत्र में विधायक जी द्वारा दो पेयजल योजनाएं स्वीकृत कराई गई, एक बांध सुधार से, एक बेला गरौली धरान से। तो एक योजना 900 करोड़ की थी, एक योजना 500 करोड़ की थी, जिसमें टीकमगढ़ एक योजना से टीकमगढ़ और खरगापुर विधानसभा को, और एक योजना से जतारा महाराजपुर और खरगापुर विधानसभा के बाकी हुए हिस्सों को पानी देने का काम होना था। परंतु बांध सुजारा में पेयजल के वो कमी के कारण उस योजना को बदल के टीकमगढ़ के क्षेत्र में ज्यादा कर दिया है, जिसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पेयजल की समस्या खरगापुर विधानसभा में दूर हो जाएगी। और रही बात रोजगार की, तो कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था खरगापुर क्षेत्र में कराना ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। इनकी बात इस बात का प्रमाण है कि खरगापुर के विकास के लिए चिंतित नहीं है। 30 करोड़ 10,000 आवर्धन योजना खरगापुर नगर की मंजूर हो गई, टेंडर भी हो गया। अब आप कह रहे हम सरकार बनते ही करा देंगे, ये तो सब बाहरी बात है, क्योंकि यहाँ की चिंता है ही नहीं। यहाँ तो केवल विधायक बनने के लिए आते हैं, इसके अलावा कोई आइडिया है नहीं। 35 गांव भी हमारे अभी स्वीकृत हो गए। हमारी लड़ाई ये है 175 गांव टीकमगढ़ विधानसभा के सुजारा बांध से हुए, हमारे केवल 35। अब विधायक जी को इसके लिए लड़ना चाहिए, हमारे गाँव बड़ा बिल्कुल सही तरीके से जवाब नहीं करता। छात्र है वो जानता नहीं, वो तो कहीं जातिवाद के नाम पे दे दे, कहीं बुआ के नाम पे दे दे, कहीं अल्लाह के नाम पे दे दे, इस हिसाब से मांगने आया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ। देखिए जहाँ तक योजना की बात है, चूंकि ये सिर्फ खरगापुर भाई का अकेला प्रयास नहीं था, ये खरगापुर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का प्रयास था कि अगर हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है तो कांग्रेस भाजपा ये छोड़ करके एक साथ इस काम में आना चाहिए। परंतु हमने उस काम को लेकर विधानसभा में लड़ाई शिक्षण लेना पड़ेगा भूमिका का। आंदोलन जैसे सत्ता में बैठे लोगों ने उसमें कुछ नहीं किया, बिल्कुल ना ही किसी के लिए। जनता के सवाल फिर से एक बार जनता के सवाल लेते हैं। जी जी देखिए, विकास की बात है तो विकास की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना ना स्थानीय मुद्दों की बात करिए, जो स्थानीय मुद्दों की बात करेगा मैं उसके पास आऊंगा। जी ये अस्पताल बनना था 9 करोड़ रुपया, ये कहाँ ले गए इनसे पूछिए विधायक जी से, कहाँ ले गए 9 करोड़ रुपया? बिल्कुल अस्पताल की बात हो रही है दिग्विजय जी, अस्पताल की बात हो रही है, अस्पताल के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत कभी नहीं हुए जी। अस्पताल के लिए 2013 में जब यहाँ से हजार यादव विधायक थे तब 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, और उसी वक्त हरिशंकर खटीक जो केंद्र में राज्य सरकार में मंत्री थे, वो ये 2 करोड़ रुपए उन्होंने जतारा में ट्रांसफर करा लिए थे। खरगापुर विधायक के बनने के बाद, कांग्रेस विधायक के बनने के बाद, 1 रुपए भी खरगापुर हॉस्पिटल के लिए सरकार ने मंजूर नहीं की। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको पलायन के संबंध में कि खरगापुर विधायक जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्वेश्चन लगाए की बात करिए आप, सफाई नहीं मुद्दों की बात करिए। जी जी मैं पीछे आना चाहूंगा, पीछे एक हमारे दोस्त हाथ उठा रहे हैं। जी जी आइए जी जी सवाल कहा बोल रहे जी। बिल्कुल अभी हम फिर से आएंगे, अस्पताल के मुद्दे की बात हो रही थी, स्वास्थ्य सुविधाओं सर्किट हाउस किन ने कहा, महामना का कहा, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो लोगों ने नहीं की। बिल्कुल बुनियादी सुविधाओं की बात हो रही है दिग्विजय जी, सर्किट हाउस की बात हो रही है, उसके अलावा जैसे कि अस्पताल की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, तो ये बुनियादी समस्याएं आज तक क्यों नहीं मिल पाई लोगों को? खरगापुर में हॉस्पिटल की मांग है, इन सब चीजों को लेके हमने हमें तहसील तो पहले हो चुकी है, तहसील भवन की बात है, तहसील पहले से हो चुकी है, लड़ाई लड़ी है हमेशा, तहसील भवन की बात हुआ है, घर का विकास हुआ है। अजय यादव जी
यहाँ से विधायक रहे हैं, जब उमा जी पार्टी छोड़कर गई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत विकास हुआ। अगर खरगापुर नगर की हम बात करें तो कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, यहाँ मंडी का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, यहाँ एमपीआईडीसी का बहुत बड़ा डिवाइडर रोड है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, बहुत सारे विकास के काम किए। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ की वाटर पेयजल सप्लाई की 22 करोड़ की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत की है, तो निश्चित विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिल्कुल स्वीकृत हो गई है और टेंडर लग चुके हैं। बिल्कुल दिग्विजय जी, दिग्विजय जी, एक और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लाइट का बिल माफ करते हैं, दूसरी ओर आप गांव में जाकर देखेंगे तो लाइट की स्थिति है, गांव में ट्रांसफार्मर नहीं। अरे इनके जमाने में तो लाइट ही नहीं थी, आज किसानों को पेयजल दे नारा चलता था, अभी आपकी डिबेट भी लाइट चली गई और इनके जमाने में इंतजार करना पड़ा, इनके जमाने में तो लाइट नहीं थी, एक नारा चलता था कि राजा लाल लाल बत्ती में दलदल। बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं, अब तो लालटेन और मोमबत्ती गुल हो गई, जुड़े हुए थे लोग खरगापुर विधानसभा के, लोग खरगापुर विधानसभा के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जनता का बेबाकी से सवालों के जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जनता उनके सवालों से संतुष्ट होती है या नहीं। हालांकि चुनाव का समय है और लोग इस पूरी कवायद को लेकर जुटे हुए हैं, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ रहे हैं और लगातार चुनाव का माहौल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे बेबी राजा का जुलूस हो या फिर दिग्विजय सिंह जी का यहाँ पर नामांकन का पर्चा हो, लोग यहाँ पर पहुँचे थे, अपने अपने समर्थकों के साथ नेता यहाँ पर पहुँचे। और ये जो प्रोग्राम है अब यहीं पर समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट सईद खान के साथ मैं नरेन, डीएनए न्यूज़ भोपाल। धन्यवाद। तो देखा आपने टीकमगढ़ के खरगापुर में आज भी मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं जनता वंचित है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए बने रहें डीएनए न्यूज़ के साथ।